Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि दो दिन से आपके रेगुलर टेस्ट नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि दो दिन से मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, तो अब मैं वापस फ्री हो चुका हूँ। तो साथियों देखिएगा, अब मुझे वापस टेस्ट बनाने का पूरा टाइम मिला है। तो आज आपके लिए तीन टेस्ट हैं, एक तो ये मनोविज्ञान की जो कक्षा 11वीं की किताब है उससे टेस्ट नंबर 7 है, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 16 है, और रीट 2011 का जो मॉडल पेपर है लेवल 1 का साइकोलॉजी का, जो लेवल 2 वालों को भी हल करना है जरूर। तो ये तीन टेस्ट पेपर आज आपके लिए आएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है साथियों, तो 15 प्रश्नों को ही अच्छी तरह से करना है क्योंकि विशेष प्रश्न है, नए प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके पहला क्वेश्चन इसमें आता है साथियों, देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है भाग जाता है इसलिए डर जाता है, यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? कैनन बार्ड सिद्धांत, जेम्स लांजे सिद्धांत, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो साथियों देखिए राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 1 में आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। तो व्यक्ति भालू या शेर को देख रहा है भाग जाता है इसलिए डर जाता है, तो उपरोक्त जो कथन है ये जेम्स लेंगे सिद्धांत या जेम्स लांजे सिद्धांत, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, इसकी ओर इशारा कर रहा है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 2 है, संवेगों के मुख्यतः आधार हैं, शारीरिक आधार हैं, संज्ञानात्मक आधार हैं, सांस्कृतिक आधार है और उपयुक्त सभी। तो साथियों संवेगों के शारीरिक आधार भी होते हैं जैसे भूख है, प्यास वगैरह ये चीज़ें, संज्ञानात्मक आधार भी होते हैं, सांस्कृतिक आधार भी होते हैं, अतः उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर तीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो मित्रों प्रश्न नंबर 3 को समझिएगा, तीसरे प्रश्न का आपको समझकर उत्तर देना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, सीता बहुत प्रयास बाद भी परीक्षा में सफल न हो, तो उसमें फिर यहाँ रिक्त स्थान है, संवेग उत्पन्न हो सकता है, जबकि राहुल प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाए तो उसमें फिर रिक्त स्थान है, उत्पन्न होने की संभावना है। अब ये जो दो रिक्त स्थान है साथियों, एक तो ये रिक्त स्थान और एक ये रिक्त स्थान, वहाँ पर आपको ये जो दो संवेग मैंने यहाँ लिख रखे हैं दो 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 दो, उसकी पूर्ति करने की उचित कौन सा है? तो पहला विकल्प है प्रफुल्लित और दुखी, दुख और प्रफुल्लित, आशावादी और निराशावादी, निराशावादी और आशावादी। देखिए प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा आंसर राइट रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। तो मित्रों प्रश्न नंबर 3 में आपका दूसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है, क्योंकि देखिए हम इसको बिठा के देखते हैं कि सीता बहुत प्रयास बाद भी परीक्षा में सफल नहीं हुई तो उसमें दुख संवेग उत्पन्न हो सकता है, जबकि राहुल प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाए तो उसमें प्रफुल्लित संवेग उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि अगर बार बार भी सफलता उसको नहीं मिल पा रही है, असफल हो रही है तो दुख होगा, और एक बार में राहुल प्रथम प्रयास में सफल हो रहा है तो उसमें प्रफुल्लित होगा मतलब खुशी होगी। अब इसमें दूसरा विकल्प तो सही है लेकिन चौथा विकल्प भी सही है कि बार बार फेल होने पर वो निराशावादी हो जाएगी, और ये एक बार में ही जब ये सफल हो जाएगा तो फिर ये आशावादी हो जाएगा साथियों, अतः यहाँ आपका दूसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं मित्रों। मेस्लो ने चौथे क्रम पर किस आवश्यकता को रखा? शारीरिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। तो मेस्लो ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है, जिसमें पहले नंबर पर शारीरिक है, दूसरे नंबर पर उनकी सुरक्षा है, तीसरे पे प्रेम है, चौथे पे सम्मान है और पांचवे पे आत्मसिद्धि है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे चौथे क्रम पर पूछा है तो फिर सम्मान वाला राइट आंसर है प्रश्न संख्या 4 में तीसरा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे मित्रों। मनोसामाजिक अभिप्रेरण में सम्मिलित नहीं है संबंधन, उपलब्धि, शक्ति और काम। तो साथियों देखिए मनोसामाजिक अभिप्रेरण में संबंधन, उपलब्धि और शक्ति तीनों तो 100% ही है, लेकिन जो काम शक्ति है साथियों
इसको बहुत से मनोवैज्ञानिक जैविक अभिप्रेरक में भी सम्मिलित करते हैं, मतलब मनो सामाजिक इसको कहा जाता है। जो काम अभिप्रेरक है, काम प्रवृत्ति वाला, ये पूर्ण रूप से सामाजिक भी नहीं है और पूर्ण रूप से जैविक भी नहीं है। इसलिए साथियों इसको दोनों जगह रख लिया जाता है, किंतु यहाँ तीन तो पूर्ण रूप से सामाजिक है, इसलिए ये काम वाला विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। तो साथियों यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रोत्साहन या लक्ष्य के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 और 4। तो मित्रों अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो प्रोत्साहन या लक्ष्य जो अंतिम चरण होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपके धनात्मक और एक होता है आपके ऋणात्मक। तो धनात्मक मतलब जिनको व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिनकी तरफ व्यक्ति आकर्षित है, वो धनात्मक में आ जाएंगे, और जिनसे व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है या दूर जाना चाहता है वो ऋणात्मक में आ जाएंगे। तो प्रश्न 6 में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। देखिए सातवां प्रश्न आपके है, यदि आपसे पूछा जाए कि 5 से 2 को गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन होगा, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो साथियों देखिए जहाँ पर दिए गए तथ्यों के अनुसार आंसर होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वहाँ पर जो चिंतन होता है साथियों वो अभिसारी चिंतन होता है। अब यहाँ दिए गए जो तथ्य है 5 × 2, तो आप क्या करोगे, 5 × 2 का 10 कर दोगे साथियों, तो मतलब ये एक अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। क्लियर है ये भी सभी के? जबकि जो अपसारी चिंतन होता है वहाँ खुद की तरफ से भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोषों को देखा जाता है, जबकि खुद की जो कल्पनाएं हैं, काल्पनिक चित्रण, वो स्वली चिंतन में होता है साथियों। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं मित्रों, आपके आठवां क्वेश्चन है। चलिए आठवें क्वेश्चन को देखेंगे। अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको देखना है, विकल्पों को देखिएगा साथियों। आपका पहला विकल्प है अधिगम व्यवहार के में परिवर्तन है, में है ये ना, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है, और अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। तो देखिए असत्य कथन की अगर हम बात करें तो ये व्यवहार में परिवर्तन भी है, निष्पादन से भिन्न भी है, तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन भी है, लेकिन ये वृद्धि और परिपक्वता के कारण हम जिसे जो आता है उसको हम अधिगम नहीं कह सकते साथियों। तो अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण नहीं आता, ये गलत है, और आपको गलत ही देखना था। तो प्रश्न 8 में आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आपके नौवां क्वेश्चन है, बालक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा प्रशंसा करना जिससे बालक के उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है, यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम। देखिए बालक प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है और अध्यापक क्या कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, मतलब पुनर्बलन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब ये तीनों में देख लीजिए, पुनर्बलन देने से व्यवहार बढ़ रहा है, तो ऐसा होता है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में साथियों। यहाँ पर क्या किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है क्रिया करने के बाद में। तो तीसरा विकल्प है ताकि क्रिया की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, क्लियर है। प्रश्न नंबर 9 में भी आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। आपके 10वां क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता उनमें भी पाई जा सकती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, सामान्य से कम बुद्धि वाले होते हैं, शारीरिक रूप से अधिगम अशक्तता के लक्षण रखते हो और पठन वैकल्य से ग्रसित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिले साथियों। क्योंकि प्रश्न जो पूछ रहा है, विकल्प जो दे रखे हैं,
और प्रश्न जिस टॉपिक से जहां से लिया गया है वो काबिले तारीफ है। देखिए प्रश्न 10 आपसे पूछ रहा है कि अधिगम अशक्तता उनमें भी पाई जा सकती है, पाई जाती है नहीं, पूछ रहा है पाई जा सकती है। जो साथियों पठन वैकल्य से ग्रसित होते हैं वो तो ऑटोमेटिक अधिगम अशक्तता में आ जाएंगे। शारीरिक रूप से यदि अधिगम अशक्तता के लक्षण रखते हो तो वो 100% अधिगम अशक्तता में आ जाएंगे। अब दो चीज़ें हैं कि इनमें भी पाई, भाई इनमें तो पाई ही जाती है, लेकिन क्वेश्चन यूं नहीं पूछ रहा है किन में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है पाई जा सकती है। तो साथियों सामान्य से कम बुद्धि वाले होते हैं, कम बुद्धि रखेंगे तो हो सकता है कि उनमें अधिगम अशक्तता हो, लेकिन क्योंकि एक ये चीज़ है कि अधिगम अशक्तता वाले जो लोग हैं हो सकता है उनमें अधिकतर बुद्धि कम हो। किंतु साथियों जो पहला विकल्प है सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, भाई व्यक्ति में सामान्य से भी अच्छी बुद्धि है लेकिन फिर भी उनमें अधिगम अशक्तता पाई जा सकती है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए प्रथम ही विकल्प सही है कि जो लोग सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं उनमें भी अधिगम अशक्तता पाई जा सकती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, इस प्रकार की जो अधिगम अशक्तता है ये सामान्य से अधिक बुद्धि रखने वाले लोगों में भी पाई जा सकती है। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है बुद्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति और सभी। तो साथियों अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित करेगा? देखो बुद्धि भी करती है, अभियोग्यता भी करती है, अभिवृत्ति भी, मतलब उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 11 में, क्योंकि ये सभी ही चीज़ें साथियों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे, आपके 12वां क्वेश्चन है, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। छोटे बालक विवाह, घर घर, प्रतिभोज आदि के खेल खेलते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, संज्ञानवादी अधिगम, प्राचीन अधिगम। तो साथियों प्राचीन अनुबंध अधिगम में या अनुबंधन में तो उद्दीपक और जो अनुक्रिया है उद्दीपकों के मध्य साचर्य स्थापित किया जाता है, जो कुत्ते वाला जो प्रयोग किया गया था पावलोव के द्वारा। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक ही अधिगम हो जाता है। अब एक आता है प्रेक्षणात्मक अधिगम, तो साथियों प्रेक्षणात्मक अधिगम कहता है कि बालक प्रेक्षण करके अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो जैसे विवाह है, घर घर, प्रतिभोज, ये देख करके ही सीखेगा, प्रेक्षण या अवलोकन करके। तो साथियों ये चीज़ प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प 1 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। सेलिंगमैन व मायर ने सर्वप्रथम अधिगम असहायता की परिघटना को किसके अध्ययन में पाया? मैं अधिगम असहायता को एक उदाहरण के माध्यम से बड़ी ही आसानी से आपको समझा दूंगा। चूहों के, कुत्तों के, बिल्लियों के और चिंपैंजी के। तो साथियों सेलिंगमैन और मायर ने सर्वप्रथम अधिगम असहायता की जो पहचान की वो कुत्तों के प्रयोगों में की। किसके प्रयोगों में? कुत्तों के प्रयोगों में। अधिगम असहायता होता क्या है? अशक्तता। देखिए एक होता है अशक्तता और एक होता है अधिगम असहायता, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अधिगम अशक्तता में किसी विशेष चीज़ के प्रति आपकी कमजोरी पाई जाती है, लेकिन जो अधिगम असहायता है इसमें इन्होंने जो कुत्तों पर प्रयोग किया था साथियों, तो जैसे पावलोव का जो सिद्धांत था उन्होंने भी जो कुत्ते पर प्रयोग किया उसी प्रकार इन दोनों ने भी कुत्तों पर प्रयोग किया। तो कुछ कुत्तों को साथियों इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दी है, ठीक है। अब उस पिंजरे में ऐसा सिस्टम रखा कि किसी भी कंडीशन में ये कुत्ते बाहर नहीं आ सकते। अब इन्होंने विद्युत से आघात दिया तो इन्होंने कोशिश बहुत की बाहर निकलने की, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सके। अब इनको ये पता लग गया कि भाई हम कितनी भी कोशिश कर लें इस पिंजरे से बाहर हम नहीं निकल सकते। अब इन कुत्तों को इन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पर बाहर निकलने की जगह थी, वहाँ पर भी विद्युत का आघात दिया, लेकिन ये जो कुत्ते हैं साथियों इनको पता चल गया था कि भाई अब हम जैसे वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे तो यहाँ पर भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की और उस विद्युत शोक को ये सहते रहे साथियों, जबकि वहाँ पर बाहर निकलने की जगह, पर्याप्त जगह थी, फिर भी ये नहीं निकल पाए साथियों। तो इसको कहा जाता है अधिगम असहायता, जो एक निश्चित है, जैसे एक व्यक्ति जो
हमेशा असफल होगा तो फिर उसके जो प्रयास है वो खत्म हो जाते हैं लास्ट में जा कर के। तो साथियों यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को। अधिगम की प्रक्रिया में विलोपन तब बढ़ता है जब अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है, अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा स्थिर रहती है, अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा घटती है, और इनमें से सभी। तो साथियों अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें विलोपन तब बढ़ेगा, देखिए जब अर्जन प्रयासों के दौरान मतलब व्यक्ति प्रयास कर रहा है अर्जित करने के लिए, और पुनर्बलन की मात्रा बढ़ेगी तो विलोपन थोड़ी होगा, स्थिर रहेगी तो भी विलोपन नहीं होगा, लेकिन अगर पुनर्बलन की मात्रा घटती जा रही है तो फिर वहाँ पर विलोपन आने की स्थिति हो सकती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कुत्ते के सामने आप घंटी बजा रहे हो तो वो लार तो आ जाएगा, अर्जन प्रयास तो कर रहा है वो, लेकिन अगर आप पुनर्बलन के रूप में उसे यदि भोजन नहीं देते हो तो फिर वहाँ पर जो क्रिया करने की मात्रा है वो कम हो जाएगी और विलोपन हो जाएगा अनुबंधन का। तो साथियों विकल्प नंबर 3 सही है। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। मैं एक बात और बता दूँ, किसी भी बुक में अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो मेरी गारंटी, किसी भी बुक में मतलब बुक के अंदर मिल सकता है, लेकिन RBSC की जो बुक है, NCERT की जो बुक है उनमें मिलेगा साथियों, लोकल जगह से ये क्वेश्चन नहीं मिल सकते, और क्वेश्चन तो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने खुद ने अंदर से बनाए गए हैं ये क्वेश्चन। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाए साथियों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15, काम, निद्रा या किसी संकट से बचना किस में आएगा? आवश्यकता में, अंतर्नोद में, लक्ष्य में, और सभी में। तो साथियों काम निद्रा या किसी संकट से बचना, ये हमारी होती है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता होती है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में।